हेलो तगड़े, नमस्कार। आई होप सब ठीक होंगे। नई सुबह के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बारिश के बाद लगातार जो बारिश के बाद कोहरा बना हुआ है, पूरे खेतों में पानी भर चुका है और इधर उधर कोहरा लगा है, जिसको हमें पहाड़ में कहते हैं ना पाराडान वाराडान, सब हॉल लग गया। तो देख सकते हो ये पूरा हॉल ही हॉल भरा पड़ा है। इस साइड को भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे पूरा कोहरा ही कोहरा है और ये बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, गड्ढों में पानी भर गया है। जैसे आप देख रहे होंगे पूरा कोहरे से ऐसा हो गया है। ये बारिश के बाद का ये कपकोट का सुंदर दृश्य है, सुंदर व्यू। सब जगह कोहरा ही कोहरा है। लगभग पूरे दिन भर जो बारिश नहीं, पूरे रात भर लगातार बारिश रही, इस कारण सब जगह कोहरा हो गया। आयला मौसम खुलने रहे, पूरे बादल छाए रहे हैं आसमान में। लगभग आज दिन ला बारिश हुई तो यह भी बहुत ठंडा हो गया, पूरा मौसम ठंडा हो गया, कोहरा लग गया। ये पूरा हमारा पहाड़ दृश्य हो लगभग लगभग। अब यो जो बारिश है रही है, बाद है लगातार ठंड बढ़ो। लगभग आज सबने पास स्वेटर देखा, स्वेटर निकली हुई। ये जैसे हम बात करेंगे, लगातार जो बारिश है अभी पानी भरी हुई खेतन में, ये देख सकते हैं पानी। देखो ये जी माल्टा पेड़, माल्टा लग गया था, लेकिन बानर ना सब नुकसान कर गए। एक आध दाना बच्चे ही कोई कोई मतलब तो बहुत दूर हुई, बच्चे एक आध दाना दिख नहीं है। अभी लगभग सब समाप्त करे ने, मैं पूजा अर्चना कर ली है। पूजा अर्चना करने के बाद अब मैं नाश्ता करूँगा। नाश्ता करने के बाद निकल लूँगा, पूजा अर्चना करके बाद। लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं। अब मैं तैयार होता हूँ क्योंकि मेरे को विद्यालय जाना है। तो अब मैं तैयार हो रहा हूँ। तैयार होने के पश्चात अपने विद्यालय के लिए प्रस्थान करूँगा, क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है। तो 8 बजे पहुँचना हो, 8 बजे जब मैं यहाँ से चलूँगा तब 9 बजे वहाँ पहुँचूँगा। थोड़ा ठंडा हो रहा है तो इसलिए मैं स्वेटर भी ढूंढता हूँ, क्योंकि स्वेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि बांज के जंगल ज़्यादा है। तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया है, स्वेटर पहन के तैयार हो गया हूँ। अब नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद सीधे चलता हूँ मैं विद्यालय को। दुकान पे जाके नीचे से बाइक निकालनी है, बाइक निकालने के बाद सीधे चलता हूँ विद्यालय को। अब मैं अपने किचन में आ चुका हूँ। किचन में आने के बाद सब्जी बनाई थी मैंने, थोड़ा सा ठंडी हो गई है। पत्ता गोभी की सब्जी बनी हुई है और रोटी रोटी बनाई है, बस थोड़ा घी लगा के रखा हुआ है इस पर। अब खा पाऊंगी तो खाने के बाद विद्यालय को निकलना है। अभी बिल्ली आ चुकी है, अब बिल्ली का खाने का टाइम हो रहा है। इसमें थोड़ा दूध दूध डाल देते हैं। उसके बाद खाने की गाड़ी भी चल देगी और मैं भी स्कूल चला जाऊंगा। अब मैं तैयार हो चुका हूँ, पेट में भी पिठवा लगा लिया है और ये ताला ढूंढ रहा हूँ। ताला ढूंढने के बाद अब मैं, क्योंकि विद्यालय के लिए गेट खोल दिया है मैंने, इसको पर्दा कवर कर देता हूँ, गेट लगाता हूँ। गेट पर ताला लगा दिया है। अभी भी लगातार बारिश चल रही है। जाने से पहले अब मैं सीधे दुकान में जाता हूँ, दुकान खोल के वहाँ से बरसाती पहनूंगा, गाड़ी निकालूंगा, फिर जो चलूंगा।
पंजाब रोड में पहुंचने वाला हूँ। इसके पास में मेरी दुकान है, ये देख रहा हूँ आप, मेरी दुकान की चाबी। थोड़ा सा मैं दुकान में पहुंच जाता हूँ। मैं बरसाती पहन के फाइनली रेडी हो चुका हूँ और गाड़ी भी बाहर रोड में निकाल दी है, थोड़ा सा गर्म होने के लिए। ऐसे जैसे ही गर्म होती है तो फिर मैं चलता हूँ आगे। ये हमारा विद्यालय, अब हम विद्यालय पहुँच चुके हैं। ये हमारे सर, बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से सब बरसाती पहन के आ गए हैं। ये पैदल रास्ता है, 500 मीटर पार जाना है पैदल, 300 कुछ है पैदल रास्ते में चले हुए हैं। ये झाड़ियाँ हैं यहाँ से तो आप पार जाने के लिए। ये है यहाँ की नदी, पहले से हम ये नदी वैसे ही पार करके जाते थे लेकिन अब ये कुछ ही टाइम हो रहा है पुल बन गई है। ये हमारे सर हैं, गणित के अध्यापक श्रीमान राजेश कुमार जी। ये आ रही है नदी, बहुत सुंदर दृश्य है। ये हमारा स्कूल में पदार्पण हो रहा है, अभी स्कूल पहुंच ही रहे हैं। ये आगे धंधा की दुकान, यह हमारा विद्यालय का आंगन, विद्यालय का फील्ड है पूरा, खो जो खो खो वाला कोर्ट है, कबड्डी वाला कोर्ट पूरा पानी से भरा हुआ है। और ये हमारे सर, ये हमारे एम्स है। विद्यालय में बहुत अच्छे फूल हुए हैं, बारिश की वजह से थोड़ा सा इनको पानी मिला तो खिल गए। तो हरे भरे फूल हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये मंदिर में बनाया हुआ था बच्चों के पूजा अर्चना करने के लिए विद्यालय में, लेकिन लगातार बारिश के चलते हुए इसकी जो दीवार है पूरी चली गई है, टूट गया है। अब ये मंदिर को भी खतरा हो गया है, जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये पूरा जो प्रांगण बनाया हुआ था पिछली बार, ये दीवार बनाई हुई थी पूरी ध्वस्त हो चुकी है। अभी थोड़ा थोड़ा करके मंदिर को भी खतरा हो रहा है, तो इसको जैसे ही बारिश रुकती है तो इसका पुनः कार्य शुरू किया जाएगा। क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे मंदिर नहीं था पूजा अर्चना करने के लिए, जब कथा होती है विद्यालय में तो उस टाइम के लिए मंदिर नहीं था, तो तब बनाया हुआ था ये कोने में। तो फिलहाल ये गिर गया है, इसको पुनः निर्माण किया जाएगा। अब चले हम चाय पीने के लिए अध्यक्ष जी के साथ बिल्कुल ये हरी भरी वादियाँ। अब हम चाय पियेंगे, चाय पीने के लिए आए थे। उम्मीदा चाय बना के लिए आए हैं, चाय पीने के लिए आए थे, थोड़ा ठंडा हो रहा था। चाय का आनंद लेते हुए हमारे सर चाय का आनंद लेने के लिए आए एवं चाय थे। अब टेस्ट देखते हैं उम्मीदा चाय कैसी हुई है। वैसे तो कारीगर हुए आप, पुराने उस्ताद। तो अब मैं पहुंच गया हूँ कपोर्ट, मैं देख रहा हूँ बारिश से भीग लगी है, भीग वाग के आया हुआ हूँ। अब अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।